स्कैम 1992 और बिग बुल तो आप सबने देखी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंडिया का सबसे बड़ा स्कैम हर्षद मेहता स्कैम नहीं 2G स्पेक्ट्रम स्कैम है। बस इसकी मूवी इतनी पॉपुलर नहीं हुई। कैसे कर्नाटक का एक छोटा सा कॉन मैन इंडिया के टॉप स्कैमर्स में से एक बन गया। ऐसे ही इंडिया के टॉप 5 स्कैम्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अब स्कैम क्या होता है? स्कैम का असली मतलब है पैसे कमाने का एक क्लेवर पर एक डिसऑनेस्ट तरीका, और इसी क्लेवरनेस से बना हमारे देश का सबसे बड़ा स्कैम 2G स्पेक्ट्रम केस। ये सारे स्कैम्स का बाप है। इसकी इन्वेस्टिगेशन में जो फिगर निकल के आई उससे गवर्नमेंट से लेकर जुडिशरी सबके होश उड़ गए। ये फिगर था 1,76,000 करोड़ रुपए। लेकिन पहले समझते हैं कि 2G स्पेक्ट्रम क्या होता है। 2G स्पेक्ट्रम का मतलब उन एयरवेज और फ्रीक्वेंसी से है जिनका यूज सेलफोन नेटवर्क्स में होता है। तो हुआ कुछ यूं कि ए राजा, जिन्हें UPA गवर्नमेंट में टेलीकॉम मिनिस्ट्री मिली थी, उन्होंने कुछ अनडिजर्विंग कंपनीज को 2G स्पेक्ट्रम के लाइसेंस बांट दिए। लेकिन जब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने इन अलॉटमेंट्स की इंस्पेक्शन करी, ये पता चला कि ए राजा ने गाइडलाइंस को हटाकर अपनी पसंद की कंपनीज को स्पेक्ट्रम अलॉट कर दिया है, और इस वजह से पैसों का बहुत भारी नुकसान हुआ एंड अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने इन लाइसेंसेस को कैंसिल कर दिया। इंटरेस्टिंगली CBI इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया कि इस काम को करने के लिए उन्हें 30 बिलियन रुपए दिए गए थे। एक थे हमारे APJ अब्दुल कलाम साहब, जिन्होंने इस देश का नाम कितना ऊंचा किया, और एक थे ये अब्दुल करीम तेली, जिन्होंने देश का नाम बिल्कुल ही डुबा दिया। इन्होंने तो ऐसा कारनामा कर दिया कि लोग आज तक कंफ्यूजन में है कि ये हुआ कैसे। तेल की कर्नाटका का एक छोटा सा कॉनमैन था, लेकिन उसका नाम तब बड़ा हो गया जब उसने डुप्लीकेट स्टैम्प पेपर्स को बनाकर उन्हें बेचना शुरू कर दिया, और इस काम से बहुत पैसा कमाया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो तेलकी के स्कैम की वैल्यू 20,000 करोड़ थी, और नकली स्टैम्प्स का ये सिंडिकेट इंडिया के 12 स्टेट्स में फैला हुआ था। लेकिन तेलकी ने ये सब अकेले नहीं किया, इस स्कैम में उसे पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस ऑफिसर्स की काफी मदद मिली। ये लोग टाइम टू टाइम तेलकी को सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पास करते थे, और जब भी पुलिस की रेड पड़ने वाली होती थी तो तेलकी को पहले ही पता चल जाता था। पर तेलकी डुप्लीकेट स्टैम्प पेपर्स बनाने में बहुत एक्सपर्ट था। वो अपना काम इतनी सफाई से करता था कि बड़े बड़े लॉयर्स भी ओरिजिनल और फेक स्टैम्प पेपर में डिफरेंस नहीं बता पाते थे। पर चोर चाहे कितना भी शातिर हो, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। अल्टीमेटली 2001 में तेलकी पकड़ा गया और उसे 30 साल की सजा हुई, और 2017 में मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से उनकी मौत हो गई। कॉमनवेल्थ गेम्स ने इंडिया को इतनी रिकॉग्निशन दी, लेकिन 70,000 करोड़ के घोटाले ने उतनी बदनामी भी दी। 2000 में दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए बहुत बड़े लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई, और इसी डेवलपमेंट के बीच हुए बहुत बड़े घोटाले। अब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो डेवलपमेंट के नाम पर ऐसी कंपनीज को पेमेंट दी गई जो एग्जिस्ट भी नहीं करती। जिन चीजों की कीमत शायद 100 रुपए भी ना हो, उन्हें 1,000 रुपए में खरीदा गया। इन सब के अलावा प्रोजेक्ट को पूरा करने में अननेसेसरी डिले करा गया, जिसकी वजह से उनकी कॉस्ट कहीं ज्यादा बढ़ गई, और फंड्स का गलत यूज भी हुआ। दिल्ली गवर्नमेंट के ऑफिशियल से लेकर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के चेयरमैन तक कई लोगों के नाम सामने आए, और कई लोग जेल भी गए। कहना पड़ेगा कि असली गेम स्टेडियम में नहीं कहीं और ही चल रहा था। वैसे अगर गेम्स की बात चली रही है तो अगर झूठ बोलने का कॉम्पिटिशन हो तो राजू ही जीतेगा। अरे 3 इडियट्स वाला राजू नहीं, रामलिंगा राजू। ये थे एक टाइम पर इंडिया की टॉप 4th IT कंपनी सत्यम के चेयरमैन। तो रामलिंगा राजू अपने इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स को खुश करने के लिए अपने प्रॉफिट्स एंड रेवेन्यूज को एग्जैजरेट करके प्रेजेंट करते थे। उन्होंने कई सालों तक अपनी कंपनी की ग्रोथ और बैलेंस शीट को लेकर गलत रिकॉर्ड शेयर करे, जिससे लोगों को लगा कि कंपनी एक्चुअली बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन रियलिटी उससे बहुत अलग थी। जब राजू इस झूठ को कंटिन्यू नहीं कर पाए तो उन्हें पब्लिकली इसे एक्सेप्ट करना पड़ा, और उसी दिन स्टॉक मार्केट में सत्यम के शेयर की वैल्यू 78% गिर गई। ये स्कैम इंडियन कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में हुआ अब तक का सबसे बड़ा स्कैम था। अब आते हैं ऐसे स्कैम पर जिसका असर इंडियन आर्मी पर काफी समय तक रहा, द बोफोर्स स्कैम। 1980s में आर्मी रिक्वायरमेंट्स के लिए एक स्वीडिश कंपनी बोफोर्स को 155mm होविट्सर गन्स का ऑर्डर दिया गया। लगभग एक साल बाद स्वीडन के एक स्टेट रेडियो स्टेशन पर बताया गया कि इस ऑर्डर को जीतने के लिए बोफोर्स कंपनी ने इंडिया में कई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ब्राइब दी थी, जिसका टोटल अमाउंट वॉज अप्रोक्सीमेटली 600 मिलियन रुपीज।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में इन एलिगेशंस को डिसमिस कर दिया, अब इस पूरे एपिसोड की वजह से गवर्नमेंट इतनी ज्यादा कॉशियस हो गई कि इन इक्विपमेंट्स को खरीदने का टाइम काफी टाइम तक बहुत बढ़ गया था। इन घोटालों में यूज हुआ पैसा अगर कंट्री की डेवलपमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्सेज पे स्पेंड किया जाता तो आज हम कहां से कहां होते। और कुछ लोग अगर सिर्फ अपनी नहीं पूरी देश की ग्रोथ के बारे में सोचते तो कितना अच्छा होता। पर आप हमारे साथ घोटाला मत करिए। ऐसी वीडियोस देखने के लिए प्लस ग्रो को सब्सक्राइब करिए।